गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और आपको बहुत ज्यादा आवाज आ रही होगी, सब लोग बातें करे जा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, और कपड़े सुखा रही हैं ऊपर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, तोड़ूंगी स्कर्ट। अभी हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 8 बजे से निकल रहे हैं और 12 बजने वाले हैं, और अभी भी कोई हाव भाव दिख नहीं रहे। जो हमें ले जाएगा राक्षस आदमी वो तैयार हुआ है या नहीं, सुन सुन लिया कहीं कलेश कहीं सुन लिया तो कैंसिल यू है जाना, क्योंकि हमारी बहस हो जाएगी। है तो चुप रहे, चुप रहे, बस इस चक्कर में लड़ाई हो जाएगी, कोई चुप नहीं होगा। तो गाइज अभी बस हमारे हालात आपको दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे है, क्योंकि हमारा नहाने का प्लान है, तो हम अभी ज्यादा कुछ यू नो किया नहीं है, सिंपल टी शर्ट वी शर्ट पहने हैं। तो अभी हम जाएंगे नहाएंगे, ईशान फिर मिलेंगे। ईशान रुक जाओ, अरे ईशान इधर आओ, ये देखो वाशु मामा इधर, तू बुलाइयो जरा इसे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और टाइम हो चुका है, कितना हो गया, 11:08 हो गए। सुबह 8 बजे निकलना था, 11:08 हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं कितना, वैसे एक घंटा तो हमें ऑलमोस्ट लग ही जाएगा पहुंचते पहुंचते, तो हम लोग वही 12:30 तक पहुंचेंगे और फिर वहां पे देखते हैं क्या क्या करना है। वैसे तो राफ्टिंग करनी है अर्पिता को, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी, वहाँ पे जाके पता चलेगा। चलो फिर चल। फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे लगे हमें रास्ते में, और ये तो मस्त आराम से सोते हुए आए, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया होगा, मैंने मस्त शूट किया था इन दोनों को, और जैसे भी पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी हम लोग रुके हैं एक ऑफिस पे जहाँ से अर्पिता राफ्टिंग करेगी, हम तो नहीं करेंगे, जैसे आपको पता है गोवा का एक्सपीरियंस हमारा बहुत गंदा था, तो हम लोगों ने सोचा सेट नहीं है दोबारा से राफ्टिंग वाले, माइंड की राफ्टिंग करेगा बट अभी नहीं, अभी माइंडसेट अभी तो बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं है, हम नॉर्मल घूमने आए थे, बस नॉर्मल हम लोग घूमेंगे, ये इतने आराम से राफ्टिंग करेगी। अगर ये आ गई सही समय पे तो हम सोचेंगे कि चलो सब ठीक है, नहीं आई तो फिर हम चले जाएंगे। देखते हैं चलो क्या होता है। बाय बाय कानपुर जैसे ही कर देना तुमसे, ऐसे बाय बाय यहीं से कर देना कानपुर को, राफ्टिंग नहीं ठीक है, कम्प्लीट होगी। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे अब छोले कुलचे, भटूरे बोलने वाले थे, छोले कुलचे, और फिर उसके बाद गाइस ये है लक्ष्मण झूले जाने का, श्री लक्ष्मण झूला जाने का शॉर्टकट, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी शॉप्स है, देखो यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो मस्त। आज यशु ने एक बार भी नहीं बोला ब्लॉग में, ज्यादा स्टाइल मार रही है, हाँ ये देख लो गाटअप देख लो, जरा जिम वाली बंदी बन के आई है। फिर चलते चलते बड़े खाना पीना। तो गाइस ये है यहाँ की मार्केट, और ये रास्ते से हम भी मतलब पहली बार आई होंगी, लेकिन अभी काफी टाइम के बाद आई हूँ। ये देखो इधर एक नजर पलटो कैमरा, हाँ 100 रुपए हमें लक्ष्मण झूला मिल नहीं रहा गाइस, ले लो कुर्तियाँ ले लो गढ़वाल की सेल्स हैंडलूम सोसाइटी से, बस चिकन का लोग अभी पता नहीं कितनी दूर है यार, हमें समझ नहीं आ रहा, अर्पिता तो गई। ये है लक्ष्मण झूला बट ये बंद किया हुआ है, इस पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और यहाँ का जो व्यू है ना बस मैं क्या ही बोल दूँ, वो चल रही है वहाँ पे राफ्टिंग, तो वो देख नीचे उतरे हैं, वो देख देख पानी में उतरे हुए हैं, वो देखो ये देखो
ये पानी में उतरे हुए हैं सारे। ये वाली बोट से अपन जा सकते हैं। हाँ बोट से जाना पड़ेगा, चल रहे बोट से। नीचे आ चुके हैं अब, क्योंकि लक्ष्मण झूला तो वहाँ पे बंद था, तो हम लोग यहाँ पे आके आए हैं जहाँ पे बोट उतारते हैं ये लोग ना, मतलब राफ्टिंग करा के और यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये देख लो कितना सही नज़ारा लग रहा है ना ये, मतलब फ़ोन में आपको शायद वीडियो में इतना सही नहीं दिखेगा, लेकिन जो सामने मैं देख रही हूँ ना, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पे पत्थर भी वैसे ही हैं थोड़े, राफ्टिंग ठंडा है। बहुत ही मजा आ रहा है अपने को, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वाले ऐसे चिल्ला रहे, राफ्टिंग वाले चिल्ला रहे जैसे किसी जंग पे जा रहे हो। सही है, ऐसे मतलब भारत माता की, क्योंकि इसी टाइम पे भगवान याद आता है। जब मौत सामने दिखती तभी भगवान याद आता है लोगों को। अभी तो प्लेन है, अभी तो नॉर्मल जा रहे हैं, अभी तो नॉर्मल है, आगे जाके तो क्या हालत खराब होगी, आगे जाके हो जाएंगे हालत खराब। सही में अभी तो वेव्स भी नहीं है पानी में, कुछ भी नहीं है, आगे वेव्स जब आएंगी ना वो आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में। चार चार थे, चार हैं, तीन तीन क्या और करो, ये लो एक दो तीन 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 चार थे ऑलमोस्ट। शूज आगे करो, शूले से साइड है उसके, तो तू आगे करना पैर थोड़ा। हाय मेरा गीला हो गया पैर, सच में टाइट है ना, सुबह भी मेरे को दिक्कत हुई पहनने में। हे भगवान मेरे, कल का चल उसका शूज, आपने देखा है वो शूज, शूज वाले जो शॉप में वो लेस करता है। हां जी मैडम, बात नंबर परफेक्ट है इसमें। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे, मतलब यहीं पे ही दूसरी जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ। तो ये देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये देख। देखा मैंने, देखा बैलेंस दिखाएगी कि वो किस तरह से बैलेंस बनाती है। तुमसे ना हो पाएगा बेटे, और तीन से क्या होता है, इतना मैं बना दूंगी कभी नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। उल्टा उल्टा कर उसको। फाइनली हम लोग हैं ऋषिकेश में, यहाँ पे पानी का बहाव देखो, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पत्थर है, कितनी तेज पानी को काटते हुए जा रहा है, और ये उसी जगह पे है, बस थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए हैं, और यहाँ से बोट भी एकदम बहुत तेजी से जा रही है। और अगर आपको दिख रहा हो ना उस पत्थर के ऊपर कुछ, कोई तो मतलब बतख या पता नहीं कुछ तो कबूतर कबूतर बैठा है, वो वहीं पे बैठा है जा नहीं रहा। और तो भाई मज़ा आ रहा है, पानी की आवाज़ आपको आ ही रही होगी क्योंकि बहुत तेज आ रही है पानी की आवाज़ यहाँ पर ना, बहुत ही ज़्यादा तेज है। और ये मस्त उसने बाल बाल खोल लिए अपने, ओ बाल धो रही है। वो कर देखो गाइस, ये बोट जा रही है, अब देखना अब यहाँ से चक्कू चलाने लग जाएंगे। ये आगे देखो लहरें कितनी तेज है। ओ भाई उधर देख नहीं रही यार, देखने वाली चीज तो तू, देखने वाली चीज उसने कितने भयंकर तरीके से बोट गई थी, तूने देखा नहीं।
निकल रहे हैं यहाँ से, और रास्ते में मैंने जो आपने शॉप्स देखी थी वहाँ से देखते हैं कुछ लेते हैं अपने लिए, घर वालों के लिए कुछ देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो। अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, चलो। टाइम हो चुका है 6:45 हो चुके हैं, और हम लोग अभी एक्चुअली वेट कर रहे हैं क्योंकि वो राफ्टिंग करके आएगी तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आने वाली है वैसे तो, बट हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है दिखने में, तो यशु वॉशरूम गई है तो बस वो करके और फिर हम लोग चले जाएंगे। मतलब हम लोग एक ही जगह घूम पाए क्योंकि सारा का सारा टाइम राफ्टिंग में चला गया उसका, तो उसकी वजह से हम कहीं घूम भी नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, आते रहेंगे, ये तो अपना ही घर है यहाँ पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आते रहेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और दिखाएंगे यहाँ का। लास्ट टाइम हमने जब ऋषिकेश में आए थे तो हमने त्रिवेणी घाट दिखाया था, राम झूला दिखाया था, और इस बार में हमने आपको लक्ष्मण झूला दिखाया है और एक बहुत ही प्यारी सी जगह दिखाई है। अभी शायद हम रास्ते में एक जगह पर रुकेंगे जिसको चिल्ला रोड, अगर आपने सुना होगा तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर हम लोग रुकें रास्ते में, कन्फर्म नहीं है शायद, तो देखते हैं। फाइनली चिल्ला रोड तो क्रॉस कर चुके हैं, वैसे मतलब चिल्ला रोड वो वाला रोकने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पे रोक दिया, बट कोई बात नहीं, ये जगह भी बहुत शानदार है, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ, पहले तो मेरे बैक से देख लो कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है जल विद्युत गृह चिल्ला, और ये देखो वो देखो कितनी, वो पूरा डैम है ना चिल्ला वाला, ये चिल्ला का डैम है पूरा, और हाँ ये सारा वो है, और ये देखो कितना शानदार लग रहा है यहाँ से, आवाज़ नहीं चल रही है। हाँ, अरे लोग क्या आवाज़ पहले।